पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगी भारत की प्लेइंग 11? डेब्यू करेगा ये स्टार खिलाड़ी। एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्त को होगा, जबकि भारतीय टीम अपना पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। या दोस्तों बात कर लेते हैं, भारतीय टीम का आयरलैंड दौरा पूरा हो गया है। टीम ने आयरिश टीम को उसी के घर पर 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से करारी शिकस्त दी है। हालांकि तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। अब भारतीय टीम सीधे एशिया कप 2023 खेलेगी। हालांकि दोस्तों हम बता देते हैं कि आयरलैंड दौरे पर की गई भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह समेत 4 प्लेयर ही एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी 3 खिलाड़ी स्पिनर ऑलराउंडर तिलक वर्मा, विकेट कीपर संजू सैमसन और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा है जो एशिया कप की टीम में शामिल हो सकते हैं। या दोस्तों एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा, जबकि भारतीय टीम का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। यह मुकाबला श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में अपनी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। पहले ही मैच में तिलक वर्मा को मौका मिला है। यदि ऐसा होगा तो यह तिलक का डेब्यू वनडे मैच होगा। दरअसल श्रेयस अय्यर और केएल राहुल चोट के बाद की बात करें तो सीधे एशिया कप के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। राहुल को अब भी हल्की चोट है, यह बात भारतीय सिलेक्शन टीम के चीफ अजीत अगरकर ने कही है। तो दोस्तों नंबर 4 के लिए तिलक वर्मा को मौका मिल सकता है। हमने आपको जो जानकारी दी है यहाँ पे 2 स्पिनर के साथ भारतीय टीम उतर सकती है। तो जो जानकारी दी वो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।